Good morning girls, I'm Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. आज हम लोग डिस्कस करेंगे MNS Panacea जो कि पार्ट 8 दोस्तों. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया अप टू पार्ट 7 तक. आई होप आपने जितने भी वीडियोस अपलोड किया आपने देखा होगा. हम स्टार्ट करते हैं आज 8वां जो कि एटॉमिक क्लॉक के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं. बोन ऐश कंटेन्स कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट जो है मैक्सिमम आप लोग बोन ऐश के अंदर देख सकते हो, और आप लोग जो कि दांत डेंटाइन जो होता है बना हुआ था उसके अंदर भी आप कैल्शियम फॉस्फेट को देख सकते हो. तभी हम लोग आराम से जो भी दांत है उनका जो लाइफ वगैरह आराम से हम लोग पता कर सकते हैं. परमानेंट हार्डनेस ऑफ जो वाटर होता है उसको हम लोग बायोसोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट जो कि NaCO3 इसको क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं. जैसे सर्फ हो गया, हम लोग सर्फ को यूज़ करके हम लोग उसका जो भी हार्डनेस है उसका कम कर सकते हैं. और वुड स्पिरिट जो है एग्जांपल मीथेल अल्कोहल को हम लोग वुड स्पिरिट के नाम पे भी जाना जाते हैं. और फायर फाइटिंग जो क्लोथ्स होते हैं वो एस्बेस्टास से बना हुआ रहता है. और ब्रास जो कि कॉपर और जिंक का जो मिश्रम है दोस्तों, ब्रॉन्ज जो कि कॉपर और टिन का मिश्रम है. विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पेट्रोलियम फायर के अंदर फोम टाइप होता है जो कि AFFF फोम होता है, एक्वियस फिल फॉर्मिंग फोम होता है उसका अब्रिविएशन, जिनके अंदर आप वो फोम स्प्रे करने से क्या होता है वहाँ पे पूरा लेयर फॉर्म कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा वहाँ पे, जिसकी वजह से आपको आग नहीं पकड़ पाएगा. और ऊपर से आपको पता होना ज़रूरी है हर अलग अलग किस्म के फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर्स आपको देखने को मिलता है. सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल करते हैं. और ब्राउन कोल जो होता है वो लिग्नाइट भी कहा जाता है इनको. और चीफ सोर्स ऑफ नेफ्थलिन, जैसे कि नेफ्थलिन गोलियाँ आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा मेन सोर्स हम लोग कोल तार से इसको प्रोड्यूस करते हैं. मिल्क एक किस्म का एमल्जन है दोस्तों. और केमिकल सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट इन द बोन्स वो है कैल्शियम फॉस्फेट. और द लाइम वाटर इज केप्ट इन द एयर, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब लाइम वाटर अगर आप रखते हो तो वो एकदम मिल्की बन जाएगा अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को उसके थ्रू पास करते हो. और इसलिए हम लोग जब सोडा वाटर बनाते हैं उस टाइम पे वो एकदम ओपन करता है और डालते ही सेम टाइम वो आपको मिल्की आपको देखने को मिलता है. हैवी मेटल पोल्यूशन ऑफ वाटर इज़ कॉज्ड बाय द पेंट्स, जैसे कि जितने भी हैवी मेटल्स है उसका पोल्यूशन जो होता है आज के टाइम पे वो बिकॉज ऑफ द पेंट्स की वजह से हम लोग देख सकते हैं. एस्बेस्टस जो मटेरियल है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से बना हुआ रहता है. और ब्राइन रेफर्स टू साल्ट वाटर को हम लोग ब्राइन भी कहा जाता है. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोल्यूशन जो कि हवा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि आपको फॉर्म करते हैं एसिड रेन्स. और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड. एंड चारकोल जो कि इन वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं वो एज एन एडसॉर्बेंट की तरह हम लोग यूज़ करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में. और एलॉय जो यूज फॉर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन द डाइल्यूशन पे आधा मतलब निर्भर रहता है. नेचुरल रबर जो है इज़ एक पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन कह सकते हैं, ये एक आइसोप्रीन है दोस्तों. और क्लोरोफॉर्म आप जानते ही हैं, ईथर नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, ये सब एनेस्थेटिक एजेंट और एक्सेप्ट एसीटोन तो नहीं है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग क्लोरोफॉर्म प्रिजर्व करने के लिए, जितने भी मेंढक हो गया सांप हो गया जितने भी हम लोग स्टोर करने के लिए उसकी जो शेप और उसको रिटेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. और ईथर नाइट्रस ऑक्साइड जो नाइट्रस ऑक्साइड बच्चों को डेंटिस्ट ये आप वहाँ पे देख सकते हो जो बच्चों को देता है, जिससे वो अपना दर्द वगैरह मतलब वो थोड़ी देर के लिए वो भूल जाएगा एनेस्थेटिक एजेंट की तरह, पर एसीटोन नहीं है. और रेक्टिफाइड स्पिरिट इज़ 95% ऑफ ईथेल अल्कोहल, जो भी रेक्टिफाइड स्पिरिट उसके अंदर आपको 95% ईथेल अल्कोहल देखने को मिलता है. नायलॉन जो होता है ये एक किस्म का पॉलीअमाइड है दोस्तों. और रेडिएशन विच इज़ नॉट एमिटेड ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज, जिसको हम लोग कैथोड रेज भी कह सकते हैं और एग्जांपल, और जहाँ पे ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी आप देखने को मिलता है. और पोटाशियम परमांगनेट यानी ये एक डिसइनफेक्टेंट है दोस्तों. देखिएगा इसका जो केमिकल फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगला देखते हैं, थिक पेस्ट ऑफ सीमेंट जो बनाते हैं सैंड और वाटर मिला के उसको हम मोर्टार कहते हैं. द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ
जिसको हम लोग क्वालिटी आज के टाइम पे ऑक्टेन नंबर में मेज़र करते हैं उस क्वालिटी का। और आपने कभी पेट्रोल पंप पे गया होगा, वहाँ पे डेंसिटी भी चेक किया जाता है उसका। जितना ज़्यादा डेंसिटी रहेगा उतना आप फ़ायदे में रहोगे, जितना कम डेंसिटी रहेगा उतना घाटे में रहोगे। जैसे कि ठंडी मौसम में, जैसे सुबह और शाम के टाइम पे आप सबसे ज़्यादा डेंसिटी आप देखने को मिलता है पेट्रोल के अंदर। अगला देखिए दोस्तों, एंटी एसिड्स आर फाउंड इन ड्रग्स दैट गिव रिलीफ टू स्टमक एक। जब आपको कोई भी स्टमक एक हो जाता है उस टाइम पे हम लोग एंटी एसिड्स, उस तरह का जो ड्रग्स हम लेते हैं। कम्बशन ऑफ ए कैंडल इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको पता होनी ज़रूरी है एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक एक्शन क्या होता है। और ये जो कम्बशन ऑफ जो कैंडल होता है वो एक फिजिकल के साथ साथ केमिकल एक्शन भी आप देख सकते हो वहाँ पे। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एक कोवेलेंट कंपाउंड देख सकते हो इनके अंदर। द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन लोअर एटमॉस्फेयर इज कंपेयर्ड ऑफ दैट इज, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है कंपेयर्ड दिस लोअर। द वायर ऑफ ए फ्लैश बल्ब जो होता है वो हम लोग किससे बना रहता है, मैग्नीशियम। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब का देखा जाए वो टंगस्टन से बना हुआ रहता है। और द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पैरिस नॉर्मली हम लोग इज़ यूज फॉर द सेटिंग ब्रोकन बोन्स के लिए, वो है कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, CaSO4, जिनको हम आपको, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं प्लास्टर ऑफ पैरिस का क्या केमिकल फार्मूला है। द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, जो कि प्लैंक कांस्टेंट जो बताने वाला वो है प्लैंक दोस्तों। द एग्जांपल्स ऑफ मेटलाइट्स देख सकते हो, सिलिकॉन और जर्मेनियम एक किस्म का एग्जांपल्स है दोस्तों। मेटलाइट्स और दोस मेटल्स दे आर नेदर मेटल्स नॉर नॉन मेटल्स उनको कहते हैं। जो भी बॉन्ड प्रेजेंट होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, जो कि सबसे मोस्ट एसिडिक कह सकते हैं, जिसका pH वैल्यू शून्य है दोस्तों। और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड देख सकते हो जिनके अंदर। और VSEPRT ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ज़रूरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये है VSEPRT। यानी द फोर्स बिटवीन एनी टू आटम्स आर ए ग्रुप ऑफ आटम्स दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल एंटिटी, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड का ये डेफिनेशन दोस्तों। कोवेलेंट कॉम्पाउंड्स एग्जिबिट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स व्हेन कंपेयर्ड टू आयनिक कॉम्पाउंड्स। द बॉन्ड लेंथ ऑफ एट द इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लिया ऑफ द आटम्स विच इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। और किलो वाट आवर यानी 3.6 × 10⁶ जॉल्स है दोस्तों। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, यहाँ पे जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसका प्रोसेस क्या है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इंटू अमोनिया कह सकते हो। इफ वाटर स्मेल्स बैड देन दैट ओडर कैन बी रिमूव्ड बाई एडिंग एक्टिवेटेड कार्बन। कभी भी हम मैक्सिमम स्टोर करने की वजह से पानी आप स्मेल आने लगता है उसके अंदर, हम लोग ये एक्टिवेटेड कार्बन को अगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट है ये, एक्टिवेटेड कार्बन को अगर इसके अंदर डालेंगे तो हम लोग आराम से उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। मेलाडियन एक इंसेक्टिसाइड है दोस्तों, आप लोग काफ़ी इंसेक्टिसाइड देखे होंगे और उसके अंदर मेलाडियन का इस्तेमाल करते हैं। और द वर्किंग ऑफ ड्राई सेल इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे ये काम करता है। लॉकन की जो प्रिंसिपल है ये किस पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन एंजाइम्स पे। स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर है दोस्तों। सिल्वर गेट्स करोडेड ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। यहाँ पे जो सिल्वर है ये करोड हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जो है। यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप देख सकते हो, कह सकते हो यूरेनियम को। और इनर्ट गैसेस जो कि केमिकली अनरिएक्टिव है दोस्तों। और आयोडेक्स ए पेन रिलीफ बाम हैज़ ए स्मेल ऑफ मीथेल सैलिसिलेट कह सकते हैं, जो कि आयोडेक्स हम जो यूज़ करते हैं पेन रिलीफ बाम, ऐसा स्मेल आपको देखने को मिलता है जो कि मीथाइल सैलिसिलेट कह सकते हैं। बी स्टिंग कंटेन्स, जो कि हम लोग बी से कभी कटवाया होगा, जैसे काटा होगा आपको, जिसके अंदर एसिडिक लिक्विड देखने को मिलता है। और फॉर्मिका जो चीटी है वो काटने से फॉर्मिक एसिड आपको देखने को मिलता है उसके अंदर। रैपनिंग ऑफ मैंगोस इज़ डन बाई यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंगोस पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। और नाइट्रोजन को कोई भी चिप्स पैकेट के अंदर प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एन एमल्शन इज़ ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड कह सकते हैं। एक मिल्क भी एक किस्म का एमल्शन है दोस्तों। द सॉलिड वेस्ट इज़ आल्सो नोन एज, जिसको हम स्लड्ज भी कहते हैं।
एज एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, और इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड एज ए गोल्ड सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में. द पोल्यूटेंट फ्रॉम मोटर कार एग्जॉस्ट दैट कॉजेस मेंटल डिसीजेस, जैसे कि लेड जो होता है वो जो भी मोटर व्हीकल्स हैं उनके थ्रू निकलता है, जिसकी वजह से आपको मेंटल डिसीज भी हो सकता है. आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटाशियम क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन प्रोसेस. हम लोग इसलिए, सब्लिमेशन होता क्या है, डायरेक्टली सॉलिड से लेके विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट वो वेपर हो जाता है. एग्जाम्पल कपूर कह सकते हैं या नेफ्थलीन गोलियां देख सकते हो. उसी नेफ्थलीन गोलियों को अगर क्लीन करना हो वो हम सब्लिमेशन मेथड ही अडॉप्ट करते हैं. यहाँ पे जो आयोडीन दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटाशियम क्लोराइड. सो यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड के अंदर से कैसे इसको मतलब आयोडीन को निकालते हैं, जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस है दोस्तों. और द मेटल विच इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर, जो कि गोल्ड है दोस्तों, जिसका फ्री नेचर में आप देखने को मिलता है, ये नॉन टॉक्सिक है दोस्तों. द पावरफुल आई रिटेंट परसिस्ट प्रेजेंट इन स्मॉग, जो कि पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट कहते हैं, जो कि पावरफुल आई इरिटेंट है दोस्तों, जो कि स्मॉग के अंदर आप देखने को मिलता है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. द मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द हैलोजन्स, जो कि फ्लोरिन है दोस्तों. पोटाशियम कैन बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, के अंदर पोटाशियम का इस्तेमाल करते हैं, और पोटाशियम परमैंगनेट, जिसको हम लोग डिसइनफेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं. द एलिमेंट यूज फॉर द मेकिंग सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन है दोस्तों. द बेकलाइट इज़ ए कोपॉलीमर ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड. देखिए यहाँ पे बेकलाइट जो होता है इज ए कोपॉलीमर ऑफ फिनोल और साथ में फॉर्मल्डिहाइड है दोस्तों. द भोपाल ट्रेजेडी वॉज कॉज्ड बाय द गैस, जो कि बीटल आइसोसाइनेट है दोस्तों, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है. चीफ सोर्स ऑफ नेफ्थलीन इज कोल दैट इज तार. 1 कैरेट ऑफ द डायमंड कितना होता है, 200 mg का होता है. अगर 24 कैरेट जो प्योर कैरेट कह सकते हैं गोल्ड का, यहाँ पे कैरेट गोल्ड का जो डायमंड का जो कैरेट दिया गया है वो है 1 कैरेट का बराबर होता है 200 mg. और आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हेमाटाइट ओर से हम लोग निकाला जाता है. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, और सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेन कॉज है. एरोसॉल इज ए सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल इन एयर कह सकते हो. इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलॉय ऑफ, जो कि टिन और लेड देख सकते हो. द केमिकल यूज फॉर द क्लाउड सीडलिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन इज, जो कि सिल्वर आयोडाइड है दोस्तों, जो कि केमिकल इस्तेमाल करते हैं क्लाउड सीडिंग में और आर्टिफिशियल रेन्स में. कार्बन डाइऑक्साइड इज द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं ग्रीन हाउस, इस्तेमाल नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है. हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूजिंग डिटर्जेंट. आप इस्तेमाल करके सॉफ्ट वाटर या हार्ड वाटर आपको आराम से पता चलता है, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर आपको ज़्यादा फॉर्म देखने को नहीं मिलता, पर सॉफ्ट वाटर में मिल जाता है. फेरस सल्फेट जो होता है इज़ यूज इन द वाटर ट्रीटमेंट एज ए कोएगुलेंट एड की तरह हम इस्तेमाल करते हैं. रस्टिंग और आयरन इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज कह सकते हैं, और ऊपर से आपको पता होनी ज़रूरी है एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है दोस्तों, जिसका वेट अपने आप ज़्यादा बढ़ जाएगा. द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामीथिलीन डायमिन एंड एडियाबैक इज, जिसको नायलॉन 66 को कहते हैं दोस्तों, ये पॉलीमर ऑब्टेन होता है. अगला द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम इज़ नोन एज ल्यूमिनस जोन कहते हैं, जो कि आप लोग ब्लू कलर में आपको देखने को मिलता है, जो कि सोनार इस फ्लेम का इस्तेमाल करता है उसको पिघालने के लिए. ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर ड्यू टू द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रास जो है डिसकलर हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, H2S होता है उसका केमिकल फार्मूला, जिसकी वजह से वो पूरा कलर बदल जाता है. स्टैचू ऑफ यूनिटी एक किस्म का ऐसे ग्रीन कलर में देखने को मिलता है. अगला देखिए इथेनॉल, जो कि जिसके अंदर 5% वाटर रहता है, जिसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं. स्टेन्स ऑफ रस्ट ऑफ क्लोथ्स कैन बी रिमूव्ड बाय ऑक्सैलिक एसिड, जो कि हम लोग ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स जो यूज़ करते हैं, जितने भी वहाँ पे स्टेन निकालने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं. एंटीसेप्टिक कंपाउंड जो कि डेटॉल के अंदर जो रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनलोरोक्सिलिनोल, ये आप लोग देख सकते हो एंटीसेप्टिक कंपाउंड है दोस्तों, जो कि डेटॉल के अंदर है. एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से. हीलियम इज़ यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द गैस सिलेंडर्स,
यूज्ड बाय द डाइवर्स। जो डाइवर्स होते हैं पानी के नीचे जाते हैं वो लोग डाइवेटर पहनते हैं, वो जो सेट रहता है उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी आपको यूज़ करना होता है ताकि वो हल्का लगे, डाइल्यूट हो सके। द डिटेरियोरेशन ऑफ ए मेटल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, जिसको हम लोग करोजन कहते हैं, रस्ट जिस हिसाब से करोजन होता है। फिनॉल एक कार्बोलिक एसिड है दोस्तों, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल जिसको हम एंथ्रेसाइट कहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो कि रॉट आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन रॉट आयरन कह सकते हैं। चेरनोबिल डिजास्टर एक रिजल्ट ऑफ पोल्यूटेंट बाय द रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से ये चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, और मिनीमाता जो बे है वो मर्क्यूरी की पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से मिनीमाता बे के अंदर। ट्राइनाइट्रोटोलिन TNT एक एक्सप्लोजिव है दोस्तों, TNB होता है, बेंजीन होता है, और RDX ये सब एक्सप्लोजिव है दोस्तों। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन जो कि 0। द सोडियम कार्बोनेट इज जिसको हम कॉमनली कहते हैं वॉशिंग सोडा दोस्तों, ये होमोजेनियस मिक्सचर जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैबोरेटरी वाज जो कि यूरिया कह सकते हैं दोस्तों। कैस्ट आयरन हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको देखने को मिलता है। पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है दोस्तों। द टर्म जो ब्राउन एयर इज यूज फॉर द फोटोकेमिकल स्मॉग, और द वन ऑफ द कंस्टेंट ऑफ टीयर गैस जो कि इसके अंदर क्लोरोपिक्रिन देखने को मिलता है। द सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल्स इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेजन। कोहेजन यानी एक दूसरे को अटैचमेंट होता है, जैसे कि पानी के पानी, और अगर पानी में पेट्रोल डालेंगे तो वो एडहेशन देखने को मिलता है। अगला देखिए दोस्तों, द गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर विच मेक्स इट्स बेसिक इज अमोनिया कह सकते हैं, ये इट मेक बेसिक। वाटर इज़ ए न्यूट्रल लिक्विड, और डायमंड जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्राफाइट जो है गुड कंडक्टर है दोस्तों। एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है और इसके अंदर लेस आयनाइज्ड है, सबसे ज़्यादा आपको एसिटिक एसिड जो कि एप्पल साइडर विनेगर इसके अंदर देखने को मिलता है। अर्जेंटिन जो है किसका ओर है, सिल्वर का। केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड जिसको 4246 ट्राइनाइट्रोफिनोल कह सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन द एटमिक नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है उसका एटम का वो एटमिक नंबर पर आधारित है। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा जो कि सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जो कि बेकरीज में इस्तेमाल करते हैं, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, ये आपको पता होना ज़रूरी है। द ड्रग मारिजुआना एक सेडेटिव है दोस्तों, जैसे कि आप अलग अलग ड्रग्स लेते रहते हैं जो कि पॉपी प्लांट से लेते हैं, एक किस्म का ये भी एक ड्रग है मारिजुआना, एक सेडेटिव है दोस्तों। कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड बायोमास। एब्जन सॉल्ट जो कि हम लोग एज ए परगेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। टीयर गैस यूज्ड बाय द पुलिस टू डिस्पर्स द मॉक जिसके अंदर क्लोरीन की मात्रा देख सकते हो, जिसको हम क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं। कमर्शियल वैजलिन जो कि डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम से इसको निकाला गया है, उसको प्रोड्यूस किया गया है। डोमेस्टिक कुकिंग गैस कंटेन्स मोस्टली ऑफ लिक्विफाइड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, LPG सिलेंडर्स के अंदर ब्यूटेन देखने को मिलता है। गैलेटिन इज़ मोस्टली यूज इन मेकिंग आइसक्रीम्स के अंदर, गैलेटिन का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द कोलाइडल एंड प्रिवेंट द क्रिस्टलाइजेशन एक्शन। द मटेरियल यूज फॉर द सोलर सेल जो कि सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में प्लेन मिरर और कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल भी करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज इन वाटर ट्रीटमेंट एज डिसइनफेक्ट की तरह इस अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग जो कि फ्लोरिन है दोस्तों। सल्फ्यूरिक एसिड एक डायबेसिक है और मास्टर ऑफ ऑल एसिड्स भी कह सकते हैं, कार बैटरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि म्यूरियाटिक एसिड के नाम पे भी जाना जाता है HCl को। इनर्ट गैस यूज इन द बीकॉन स्लाइड के अंदर, जो कि हम लोग इस लाइट्स को, आप लोग जो कि माइंस के अंदर अभी आप इस लाइट का इस्तेमाल करते हैं, नियॉन, ये जो बीकॉन है आप लोग लाइट बीकॉन्स देखते रहते हो, काफ़ी दूर तक आपको आइलैंड में घूमता रहता है, उसके अंदर जो कि इनर्ट गैस नियॉन का इस्तेमाल करते हैं। क्राइलाइट डजंट कंटेन, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। केमिकल नेम ऑफ हाइपो, फोटोग्राफी के अंदर जो हाइपो का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, सोडियम थायोसल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, और सिल्वर ब्रोमाइड भी हम लोग फोटोग्राफी के अंदर देख सकते हो यूज़ करने का। द अपैरेटस यूज्ड टू टेस्ट एसिडिटी ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन जो कि PH मीटर होता है, उसका
अलग अलग मेथड है, नेचुरल मेथड है, और टर्मरिक का भी इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे पीएच स्केल का, पीएच मीटर का इस्तेमाल करते हैं उसका, एक्वस सॉल्यूशन का एसिडिटी के लिए। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, जिसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं दोस्तों। कार्बोरंडम एक अनदर नेम ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड कह सकते हैं। द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम किचन एंड बाथ, जो कि रेजिडेंस, जिसको हम लोग सल्लेज के नाम पर जाना जाता है। लिस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कि ट्रीटियम है दोस्तों। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ मीथेन, की वजह से आप ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा देख सकते हो। सिलिकॉन एक पॉलीमर है जो कि डायअल्काइल डाइक्लोरोसिलेन के नाम पे भी जाना जाता है। जर्मन सिल्वर, जिनके अंदर सिल्वर बिल्कुल नहीं है दोस्तों, नाम बस सिल्वर है पर सिल्वर इसके अंदर नहीं है। क्रिटिकल एंगल सबसे कम जो है आप वायलेट के अंदर देख सकते हो, सबसे ज़्यादा आप लाल में देख सकते हो, जिसकी वजह से हम लोग इसका डिविएशन कम रहता है, और लाल जो है आप लाल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। द लेंस यूज्ड इन द करेक्ट द प्रेस बायोपिया, जो कि बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और वेरिएबल अपर्चर, जो कि प्यूपिल को कहते हैं दोस्तों। लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन, जो कि रेटिना को कहते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस कितना होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो एंगल ऑफ विजन है वो 60 डिग्री होनी चाहिए। जंक्शन लॉ, जो कि प्रपोज करने वाला किरचॉफ है दोस्तों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, जो कि जीरो है दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलता है। वीकेस्ट बॉन्ड, जो कि आयोनिक कह सकते हैं, जो कि काफ़ी वीकेस्ट बॉन्ड है दोस्तों। यूरिया इज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है दोस्तों, एक किस्म का। अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड, दैट इज मिथाइल अल्कोहल, इसको इस्तेमाल करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड। मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कह सकते हो। डायमंड एंड ग्राफाइट ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है दोस्तों। कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि अक्कर होता है हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर, और इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन एक्शन आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉम्ब में और सूरज में। द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द एज ऑफ फॉसिल ऑर्गेनिज्म, जिसको हम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं। मोनोजाइट जो है थोरियम का ओर है दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है। केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, एसिटाइल साइनामाइड कह सकते हैं, ये एस्पिरिन का केमिकल नेम है। द साइंटिस्ट यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, सोरेनसन ने इसका खोज किया था। एंटासिड टैबलेट्स, जो कि न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन स्टमक के लिए। एसिडिटी ऑफ सॉइल इज रिड्यूस्ड बाय द एडिंग लाइम, हम लोग आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कह सकते हो ब्लीचिंग पाउडर का। और पिकल्स आर नॉट स्टोर्ड इन मेटालिक वेसल्स ड्यू टू रिएक्शन विद द मेटल्स एंड फॉर्म्स द पॉइजनस सब्सटेंसेस, इसलिए हम मेटल में यूज़ नहीं करते, हम कांच के अंदर इस्तेमाल करते हैं। द गैस इज लिबरेटेड व्हेन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स इज कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डिसइंफेक्टिंग वाटर, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर है दोस्तों, जिसको इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड डिसइंफेक्टिंग वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, वेवलेंथ पे और लाइट यूज्ड। आयरन वोर फाउंड मैक्सिमम इन द स्टेट ऑफ फेरस ट्राइऑक्साइड दोस्तों। फर्टिलाइजर हैविंग द हाई नाइट्रोजन कंटेंट, जिसको हम अमोनियम नाइट्रेट के नाम पे भी जाना जाते हैं। द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इथेलिन है दोस्तों। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन हार्ट पेसमेकर्स, जो कि यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, और ये SA नोड भी कहते हैं, साइनो आर्ट्रोवियल नोड, और जो कि पेसमेकर्स ब्लड को पंप करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है हार्ट के अंदर। अगला देखिए, द आयोडाइजेशन फॉर्म ऑफ कॉमन साल्ट इज डन बाय यूजिंग द पोटेशियम आयोडेट। टेरिलिन एक पॉलिस्टर है दोस्तों। टोलिन इज यूज फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ TNT, विच इज़ एन एक्सप्लोजिव TNB ऑल्सो। क्लोरोफॉर्म जो है ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन कह सकते हैं। नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम द आइसोप्रीन से इसको डिराइव किया गया है। मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय एडिंग न्यू ड्रॉप्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, उसको ऐड करके उसको प्रिजर्व किया जाता है, जो कि हम लोग मिल्क डेरी मिल्क के अंदर आराम से जितने भी डेरीज हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं। पीएच वैल्यू जो है ये एसिडिटी या बेसिसिटी चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हैवी मेटल पोल्यूशन इन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द पेंट की वजह से। इलेक्ट्रो फ्यू जो होता है वो टिन और लेड का जो कि मिश्रण है दोस्तों, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज के नाम पे जाना जाते हैं, और इट्स नॉट ब्रॉन्ज, टिन और लेड है दोस्तों। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय डिटर्जेंट के हिसाब से हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेन्स ऑफ रस्ट ऑन क्लोथ, जो कि अजैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। कोटिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट विद द इम्परवियस
मटेरियल जिसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेस कलरिंग मैटर बाय द रिडक्शन प्रोसेस से। द मेटल यूज फॉर द मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट, जो कि निकल का इस्तेमाल करते हैं। मेजर यूज़ ऑफ सल्फर इज़ द मैनुफैक्चर ऑफ H2SO4, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करने के लिए सल्फर का बहुत ही यूज़ होता है। द प्रोसेस इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ रबर बाय हीटिंग विद द सल्फर, जिसको हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। इस वल्कनाइजेशन प्रोसेस में सल्फर का इस्तेमाल करते हैं रबर पे। H2O के अंदर जो एंगल वाटर मॉलिक्यूल का 105 डिग्रीज देख सकते हो। ऑर्डिनरी ग्लास जो है कैल्शियम और सोडियम सिलिकेट कह सकते हो। द हेवी वाटर इज़ यूज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेवी हाइड्रोजन से हम लोग हेवी वाटर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ केमिकल कॉम्पाउंड मॉलिक्यूल है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फर्नेस कैन बी प्रोड्यूस्ड, द हाइएस्ट टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर, जो कि हम लोग डेड बॉडीज़ को ऐश करने के लिए हम लोग करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ ल्यूनर कैस्टिक, जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। द ड्रग विच हेल्प्स टू रिड्यूस एंग्जाइटी एंड ब्रिंग्स अबाउट द कामनेस, जो कि ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं दोस्तों। मोलारिटी जो कि मोल्स पर लीटर, यहाँ माइल्स लिखा है, मोल्स पर लीटर में यहाँ पे मेजर किया जाता है। विस्कोसिटी जो है प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइडिटी, जो कि सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा हनी और मर्क्यूरी वगैरह में देख सकते हो। ये केमिकल चेंज डजंट अक्कर व्हेन वाटर बॉइल्स। द लिक्विड यूज्ड एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट इनटू वैलेंसी दोस्तों। द गैस लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, जो कि नाइट्रोजन है। हार्ड वाटर डजंट गिव द लेदर विद द सोप, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी हार्ड वाटर है इसलिए, अगर सॉफ्ट वाटर अच्छी वाटर है तो उसके अंदर काफ़ी जल्दी सोप देता है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस जो कि डायमंड है दोस्तों। द मिक्सर यूज फॉर मेकिंग द टिप ऑफ द सेफ्टी मैचेस, बनाने के लिए रेड फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। डायमंड एंड ग्राफाइट जो कि सिमिलर इन एटॉमिक वेट में आप देख सकते हो। ब्लड इज़ नॉट द केमिकल फेस्टिवल फर्टिलाइजर है दोस्तों। और द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल रिटार्ड्स प्लांट्स ग्रोथ एंड कॉज लीव्स टू टर्न येलो, जो कि इसका मेन डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन है दोस्तों। रॉक फॉस्फेट इज़ नॉट द नेचुरल फर्टिलाइजर है दोस्तों। द रॉ मटेरियल बाई विच पोर्टलैंड सीमेंट्स इज मेड आर, जो कि लाइम स्टोन जिप्सम एंड क्ले कह सकते हैं। सोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फैट्स एंड अल्कलीज। द प्रिपरेशन ऑफ सोप इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस है दोस्तों, टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन प्राइमर जो कि लेड Pb3O4 जिसको इस्तेमाल किया जाएगा आपको कोई भी मेटल रस्ट ना होने के लिए। एसिटिलीन इज़ यूज फॉर द वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ द मेटल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरालमिन जो कि एल्यूमिनियम कॉपर मैंगनीज और मैग्नीशियम का, ये ड्यूरालमिन पूरा का पूरा अल्लाह है दोस्तों, ये आपको पता होनी ज़रूरी, चार मेटल का मिक्सर है अल्लाह है। और क्विक लाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है दोस्तों, जिसको हम क्विक लाइम भी कहा जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज फॉर द एनेस्थेटिक क्लोरोफॉर्म की तरह इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ करते हैं। CH3CHCl3 इसका जो फार्मूला है दोस्तों, क्योंकि टेट्राक्लोराइड है। द सॉल्वेंट यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, जो कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं ड्राई क्लीनिंग के अंदर, और ऑक्सैलिक एसिड का भी स्टेन रिमूवर के लिए। विंटर ग्रीन जिसको हम मीथाइल सैलिसिलेट को कहते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सोप इन्वॉल्व्स द प्रोसेस जिसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं दोस्तों। ग्लास ऑन कूलिंग इट बिकम्स ब्रिटल, इसीलिए हम लोग ग्लास को सुपर कूलिंग लिक्विड के नाम पे जाना जाते हैं। द कार्बन डजंट डायरेक्टली रिएक्ट विद क्लोरीन के साथ, रिएक्ट नहीं होता है। द एलिमेंट यहाँ पे रस्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड कह सकते हैं। एलिमेंट इज़ बर्न्ड इन एयर, इट डिसअपीयर्स एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ गैस। एटम ऑफ हाइड्रोजन डजंट कंटेन न्यूट्रॉन, आप देखने को नहीं मिलेगा। और द जिप्सम इज़ एडेड टू पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको कहते हैं रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ सेटिंग कहते हैं। द स्लो कूलिंग ऑफ ग्लास जिसको हम लोग एनीलिंग कहते हैं दोस्तों। और इन एन इलेक्ट्रोलाइट सेल द करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड से लेके एनोड तक, आराम से यहाँ पे करंट फ्लो होता है। नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर 760 mm कह सकते हो। और 1000 times ज़्यादा आपको मेरीना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक का जो ओशन है उसके डेप्थ में देखने को मिलता है। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन वैरायटी जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड के नाम पे भी जाना जाता है। ट्रिटियम न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 1 proton और 2 neutrons आपको देखने को मिलता है। द इम्प्यूरिटी इज़ एसोसिएटेड विद द वोर आफ्टर माइनिंग आर कलेक्टिवली, जिसको हम कहते हैं गंगू। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज ऑफ, जो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट देखने को मिलता है इनके अंदर। द अल्लॉय हैविंग निकल क्रोमियम एंड आयरन, जिसको हम स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं, स्टेनलेस स्टील के अंदर ये पूरा का पूरा
आपको देखने को मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय वाजिंग क्लोरीन ओवर स्लैक लाइम, जिससे हम आराम से ब्लीचिंग पाउडर का प्रोड्यूस कर सकते हैं। द सोडियम आटम डिफर्स फ्रॉम सोडियम आयन इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि यही है द सोडियम आटम जो कि डिफर करता है सोडियम आयन इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रांगली हीटिंग ऑन ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जिसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन है दोस्तों, जिसमें स्ट्रांगली हीटिंग एन ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो मालिक्यूल होता है वो 180 डिग्री, जो इसका जो एंगल रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में वो 180 डिग्री कह सकते हो, 180 डिग्री। अगला देखिए, केमिकल जो यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, जो कि पोटाशियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। द मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग द सैंड फ्रॉम वाटर, जो कि फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वुड एक कॉमन नेम ऑफ सेकेंडरी एग्जाइलम है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील जो है इज़ ए मिक्सचर ऑफ फेरस और क्रोमियम है। द मेन ओर ऑफ मर्क्यूरी, जो कि चिन्नबार है दोस्तों। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन रॉट आयरन कह सकते हो। कोल एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिजोर्स है, कोल। फर्टिलाइजर हैविंग एन नाइट्रोजन कंटेंट, जिसको हम लोग अमोनियम नाइट्रेट भी कहते हैं। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट रैपनिंग, उस गैस का नाम है इथाइलिन है दोस्तों। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज इन द हार्ट, जो कि पेज मेकर वो है, यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। एनोड इन ए ड्राई सेल, जिसके अंदर जिंक देखने को मिलता है। द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, वो है जाइमेज है दोस्तों। सिल्क फाइबर केमिकली, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। द हाइड्रोजन बॉम्ब, जो कि एडवर्ड टेलर आप जानते ही हैं। गैल्वनाइजेशन एक ऐसा डिपोजिशन ऑफ जिंक है ऑन आयरन, आप देख सकते हो। मिल्क इज ए कोलॉइडल सिस्टम इन विच फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है डेवलप किया आटम बॉम्ब को। द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं दोस्तों। हैमबर्गर इफेक्ट इज अदरवाइज आल्सो नोन एज क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं इसको, हैमबर्गर इफेक्ट को। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट एंथ्रासाइट जो है, जिसके अंदर 90% ऑफ कार्बन देखने को मिलता है। क्वार्ट्ज जो है सोडियम सिलिकेट से बना हुआ रहता है। आइसोबार्स, जो कि लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर ऑन द मैप। और द एलिमेंट्स ऑफ नॉन रेडियोएक्टिव, जो कि जिरकोनियम एक एग्जांपल है दोस्तों। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट, जो कि इथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन, सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। मिल्क इज़ ए नेचुरल एमल्जन है दोस्तों। एल्यूमिनियम कैन बी प्यूरीफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इम्प्यूर जो कैम्फर प्यूरीफाई करते हैं वो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू, नॉट ओनली कैम्फर नेफ्थलीन गोलियां भी। भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था। द सब्सटेंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोनेट एसिड देख सकते हो। द गैस मोस्ट टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों। द एसिड यूज इन द लेड स्टोरेज बैटरी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पैरिस जो है पार्शियल रिहाइड्रेशन ऑफ जिप्सम साल्ट से बना हुआ रहता है। बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय सोप इंडस्ट्री, जो कि ग्लिसरॉल है दोस्तों। पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ इथिलीन कह सकते हैं। 14C16 जो है एक इज़ यूज फॉर डेटिंग द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। एक्वा रीजा जो है डिजॉल्व नोबल गैस नोबल मेटल्स को डिजॉल्व करने के लिए एक्वा रीजा का इस्तेमाल करते हैं। एमल्जन एक कोलाइडल जो है लिक्विड इन लिक्विड देख सकते हो। मिल्क इज द एग्जाम्पल फॉर दैट। कैंडल एक मिक्सचर ऑफ पैराफिन वैक्स और साथ में स्टीरिक एसिड के साथ। जिंक सल्फाइड कॉमनली जिसको हम लोग कहते हैं रोडेंटिसाइड। द मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ बायोगैस, जो कि मीथेन है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट एस्पिरिन एक केमिकली जिसको हम कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को हम एस्पिरिन के नाम पे भी जाना जाता है। फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इनिशिएट करने वाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइट है दोस्तों। मोटर इज ए मिक्सचर वाटर सैंड एंड स्लैक्ड लाइम का, तीनों का मिक्सचर है मोटर। द नेशनल केमिकल लैबोरेटरी, जो कि पुणे के अंदर उपस्थित है दोस्तों। एस्पिरिन केमिकल कॉमन नेम ऑफ यहाँ पे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को कहते हैं दोस्तों। वन ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ टीयर गैस, जो कि ईथेन देख सकते हो। और एटॉमिक ग्लास एटॉमिक क्लॉक, जो कि बेस्ड ऑन द ट्रांजिशंस, जो कि एल्यूमिनियम। और बाद में यहाँ पे मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल, जो कि ग्राफाइट का इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट्स, जो भी सोडियम साल्ट्स और सल्फ्यूरिक एसिड्स कह सकते हैं दोस्तों। और नोबल गैस जो रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं वो रेडान है दोस्तों। गिलना इज द मिनरल ऑफ लेड कह सकते हैं। और मैग्नीशियम इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। और मैग्नालियम जो है इन दोनों का, एल्यूमिनियम का और मैग्नीशियम का अलॉय है दोस्तों। गैल्वनाइजेशन जो है कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर। और कुकिंग गैस इज ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन कह सकते हैं।
और हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन है दोस्तों. विच आर द फॉलोइंग मेटल्स कॉज्ड इटाई जो कि कैडमियम कह सकते हैं. येलो लैम्प्स आर फ्रिक्वेंटली यूज इन एज ए स्ट्रीट लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर सोडियम देखने को मिलता है. द एलिमेंट यूज फॉर द वल्कनाइजिंग रबर जो कि सल्फर है दोस्तों. सीमेंट इज फॉर्म्ड बाई स्ट्रांगली हीटिंग ए मिक्सचर जिसको हम लाइमस्टोन और क्ले के नाम पे जाना जाता है. द रेफ्रिजरेंट फ्रियॉन जो कि डाइक्लोरोमीथेन कह सकते हैं जो कि रेफ्रिजरेंट फ्रियॉन गैस. स्टेनलेस इज एन अलॉय ऑफ क्रोमियम कार्बन एंड आयरन का. सीवीड्स सबसे ज़्यादा इनके अंदर आयोडीन देखने को मिलता है. बोन ऐश जो कि कैल्शियम फॉस्फेट को हम लोग कहते हैं और पोटाशियम किसको पोटैश के नाम पे जाना जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. द ड्रग मारिजुआना इज एक किस्म का सेडेटिव है दोस्तों. कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड बायोमास. एब्जन साल्ट जो यूज़ करते हैं एज ए परगेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं. टीयर गैस यूज बाय द पुलिस टू डिस्पर्स द मॉब कंटेन जो कि क्लोरोपिक्रिन का इस्तेमाल करते हैं. और कमर्शियल वैसलिन डिराइव फ्रॉम द पेट्रोलियम से. डोमेस्टिक कुकिंग जिसके अंदर एलपीजी गैस कहते हैं ब्यूटेन देखने को मिलता है आइसोब्यूटेन. गैलेटिन इज मोस्टली यूज इन मेकिंग आइसक्रीम्स इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द कोलाइडल एंड प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. कौन सा मेटल सोरल सेल में है? सिलिकॉन का. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड जो कि इलेक्ट्रोलाइट गोल्ड सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं. द पोल्यूटेंट फ्रॉम मोटर कार एग्जॉस्ट दैट कॉजेज मेंटल डिसीज जो कि लेड है दोस्तों. सब्लिमेशन जो कि आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन सब्लिमेशन प्रोसेस. सो मेटल जो कि नॉन टॉक्सिक है इन नेचर गोल्ड है दोस्तों. पावरफुल आई रिटेंट जो कि स्मॉग के अंदर पैरा एक्जिस्टोल नाइट्रेट देख सकते हो. द मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द हैलोजन्स फ्लोरिन है दोस्तों. पोटाशियम जो कि मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है. पोटाशियम परमानेंट एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह. एलिमेंट यूज इन सोलर सेल फॉर्माल्ड यहाँ पर सिलिकॉन फॉर्माल्डिहाइड डिस्कस किया है. अगला देखिए भोपाल ट्रेजेडी के अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट ओके. परमानेंट हाइड्रेट्स ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट ओके. वुड स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल. फायर फाइटिंग क्लोज के अंदर एस्बेस्टास ब्रास कॉपर जिंक के साथ. विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे फोम टाइप. ब्राउन कोल लिग्नाइट. चीफ सोर्स ऑफ नेफ्थलीन जो कि कोल तार. और मिल्क इज एन एमल्शन. द केमिकल प्रेजेंट बोन संटीथ कैल्शियम फॉस्फेट है दोस्तों. लाइम वाटर इज केप्ट इन एयर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो मिल्की हो जाता है. ये अलर्ट कुछ डिस्कस किए गए हैं. When clothes are bleached, their color is oxidized. Common salt is a strong acid and strong base कह सकते हैं. Ordinary glass, जिनको हम soda lime glass के नाम पर भी जाना जाता है. The preparation of dalda or वनस्पति घी from vegetable oil, जिसको हम hydrogenation process कहते हैं दोस्तों. Indigo is used during the washing of clothes for high brightness in nature. Bell metal एक alloy है दोस्तों copper और tin का. Magnesium phosphate जो है chemical formula पूछा गया MgPO3. When carbon dioxide is passed through blue litmus, वो जो बनेगा द सोल्यूशन जो कि रेड बन जाएगा. कॉमन नेम ऑफ CaCl2 यानी जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हैं. अमालगम इज एन अलॉय ऑफ मर्क्यूरी एंड अदर मेटल्स है दोस्तों. यूरिया एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है दोस्तों. द मेन सोर्स ऑफ आरोमेटिक कॉम्पाउंड जो है पेट्रोलियम है दोस्तों. द केमिकल यूज फॉर गैल्वेनाइज ऑफ आयरन जो कि जिंक का कोट करते हैं. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी जो कि 357 डिग्रीज यहाँ पे कह सकते हो. द गैस सॉल्यूबल इन वाटर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों. अवोगैड्रो जो नंबर होता है वो 6.02 × 10²³ एक एल्केन जो है एक कंपाउंड है दोस्तों. द ब्लास्ट फर्नेस कैन प्रोड्यूस द हाईएस्ट टेम्परेचर आपको यहाँ देखने को मिलता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर. यही जो भी डेड बॉडीज है उनको ऐश करने के लिए करते हैं. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों. एटॉमिक मास इज ए होल नंबर कह सकते हो. बीटा पार्टिकल्स आर एसेंशियली प्रोटॉन और हेलोजन्स आर पुट इन द 7th ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन वैलेंसी पर निर्भर करता है. द मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जो कि पेट्रोलियम है दोस्तों. हाइड्रोजन बॉम्ब हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम. द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी. कॉमन वेराइटी ऑफ कोल जो कि बिटुमेन कहते हैं. केमिकल फार्मूला ऑफ बॉक्साइड जो कि Al2O3H2O है दोस्तों. 1 mole 6.023 × 10²³. न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ एन एटम वॉज फॉरवर्डेड बाय रूदरफोर्ड है दोस्तों. मोनोजाइड एक ओर ऑफ थोरियम कह सकते हैं. पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ह्यूमन ब्लड जो कि 7.4. हाइड्रोजन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल्स टू प्रोड्यूस जो कि हाइड्रोजन का प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग HCl को यूज़ करते हैं.
द रीज़न यूज डिटेक्ट शुगर इन यूरिन फाइलिंग्स जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी वजह से हम लोग शुगर की मात्रा आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं यूरिन के अंदर. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि डील करता है रिएक्शन रेट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में वो है केमिकल काइनेटिक्स, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दोस्तों. नायलॉन 66 जो कि इज़ मेड यूजिंग द एडियाबेटिक एसिड. जर्मल सिल्वर के अंदर कॉपर निकल एंड जिंक देखने को मिलता है बट नॉट सिल्वर. इंपॉर्टेंट वोर ऑफ पोटाशियम जो कि कार्नालाइट है दोस्तों. ब्रोनियन मूवमेंट जो होता है इज़ फाउंड इन कोलाइडल सोल्यूशन. एसिटिलिन कंटेन जो कि 3π and 2π बॉन्ड्स. द हाइस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इज फॉर द क्लोरिन कह सकते हो सबसे ज़्यादा. सोल्यूशंस विच डिस्टिल विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन ऑफ टेम्परेचर जिसको हम एजिट्रोफिक मिक्सचर कहते हैं. द ड्रग विच हेल्प्स टू रिड्यूस एंग्जाइटी एंड ब्रिंग्स अबाउट कामनेस जिसको हम ट्रान कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं. ऑयल एंड विंटरग्रीन जो कि मिथाइल सैलिसिलेट को हम लोग ऑयल एंड विंटरग्रीन के नाम पे भी जाना जाते हैं. द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ कोल जो कि बिट्यूमन है दोस्तों. द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर जिसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नाम पे जाना जाते हैं. पैराफिन वैक्स जो है फॉर मेकिंग शू पॉलिश के अंदर पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल करते हैं. ए नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर जिसको हम लोग एग्जाम्पल कंप्रेस नेचुरल गैस कह सकते हो. ए स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल के अंदर. ऑल फ्यूजल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल है दोस्तों. क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि 96 से लेके 110 डिग्री फॉरेनहाइट रीड करता है उससे ज़्यादा फट जाएगा वो. थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर जो भी हो रहा है. प्लैटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर इनसाइड द मोटर इंजन. अगला द रेडिएशन थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम ए डिस्टेंस. आराम से इस रेडिएशन थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी फिक्स्ड पॉइंट इट्स वॉल्यूम 273.16 केल्विन. इट इज़ द टेम्परेचर एट विच आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम. जहाँ पे वाटर वेपर आइस वाटर एंड वाटर वेपर तीनों जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में देखने को मिलता है वो है 273.16 केल्विन. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज्ड बिटवीन द बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. आप जानते हैं हीट ऐसे फ्लो होता है. द गेन और लॉस ऑफ हीट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर जिसको हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं. जो कि लैटेंट हीट ऑफ आइस जो है 80 कैलोरी पर ग्राम देख सकते हो. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो कि इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर के साथ. तभी हम लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप जानते हैं डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर. द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लो व्हेन द एयर इज़ ड्राई. और साथ में आपको याद रखने वाली एंड द हाई इफ द एयर इज मॉइस्ट. द सैचुरेशन वेपर प्रेशर चेंजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर दोस्तों. द स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर जिसको हम लोग कहते हैं क्रायोजेनिक्स कहते हैं बहुत कम टेम्परेचर को स्टडी को. द वाटर इज़ नॉट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ मर्क्यूरी इन ए थर्मामीटर इसीलिए कि वो कि एडिसिव नेचर होता है विटिंग अबनॉर्मल एक्सपेंशन एंड लो रेंज कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो. द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी ऑफ हीट जो कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट कहते हैं. व्हेन ए कॉपर बॉल इज हीटेड द लार्जेस्ट परसेंटेज इंक्रीज विल बी वॉल्यूम है दोस्तों. ए सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज स्फेरिकल कैविटी इंसिडेंट. द बॉल इज नॉट हीटेड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी इंक्रीजेस. द वॉल्यूम ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो कि 273.16 केल्विन है दोस्तों. इफ़ ए फैन ऑफ ए क्लोज्ड रूम इज़ वर्किंग देन टेम्परेचर ऑफ द रूम ऑटोमेटिकली क्या होगा इंक्रीज होगा. द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी जो कि हीट इंजन है दोस्तों. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी एग्जाम्पल है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट हीट फ्लोज है दोस्तों. द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट्स दैट हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कूल ऑब्जेक्ट ओनली. द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट आर मिनिमाइज्ड इन ए थर्मोस फ्लास्क बाय कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू आप देख सकते हैं. द सरफेस वाटर इन ए लेक इज जस्ट गोइंग टू फ्रीज जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम मेंटेन रहता है वो एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी कहते हैं उनको. ए ग्लेशियर ऑन ए माउंटेन विल मेल्ट एरियल जो कि बॉटम से आप मेल्टिंग देख सकते हो. द बेस्ट थर्मल कंडक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग जो कि सिल्वर है दोस्तों. गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ हीट जो कि गुड एमिटर्स ऑफ हीट कह सकते हैं जिनको.
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन डजंट रीच द अर्थ एक्सटेंसिवली अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेंट, जो कि ओजोन कह सकते हैं, जो कि वहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में आपको देखने को मिलता है, जो कि चेक करता है, वो स्लो कर देता है अल्ट्रावायलेट रेस का और इंफ्रारेड रेस का। रेडियोमीटर मेजर्स हीट रेडिएशन और द टेम्परेचर ऑफ एस्ट्रॉयड्स इज मेजर्ड बाय द VN डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से। द थर्मोमीटर सुटेबल टू मेजर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड इस टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कह सकते हैं। एक ऐसा थर्मोमीटर है जो कि सुटेबल है मेजरिंग ऑफ दिस 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, वो है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड विद द पायरोमीटर के साथ आराम से आप मेजर कर सकते हैं, पेरीहेलीमीटर भी कहते हैं। एक्सपेंशन ड्यूरिंग द हीटिंग डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। हाइग्रोमीटर जो कि यहाँ पे मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, जो कि ह्यूमिडिटी कहते हैं, हाइड्रोमीटर डेंसिटी के लिए। ला इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताने वाला मैक्सवेल है दोस्तों। लिक्विड बॉयल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेयरिक प्रेशर, जो कि वहाँ पे लिक्विड बॉयल होता है। ये थर्मस बॉटल जो होता है जिसके अंदर कॉफ़ी डालते हैं, उस थर्मो बॉटल जो है विगरसली शेकन, कंसिडर कॉफ़ी एज द सिस्टम डज इट टेम्परेचर, उसका क्या होगा जब सर्व करने से पहले एक बार शेक करके हम डालते हैं ताकि वो एकदम हॉट लगे। ए थर्मस बॉटल जिसके अंदर विच प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स, जो कि स्टीम सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ये बीकर इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल ओवर फ्लो बोथ वेन हीटेड आर कूल्ड, तभी अनामलेस एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ आइस वेन प्रेस टुगेदर जॉइन टू फॉर्म वन ब्लॉक, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स फॉल्स विद प्रेशर, जब ऐसा करने से। द टॉप ऑफ अ लेक इज फ्रोजन एज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर एट द बॉटम ऑफ द लेक इज मोस्ट लाइकली टू बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ यह है कि वहाँ पे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं सर्वाइव होते हैं, वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सोर्स फ्रॉम द थर्मल रेडिएशन, जो कि थर्मोपाइल कहते हैं दोस्तों। सीमेंट इज मेड हार्ड विद द हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर कह सकते हैं। द मेटल्स विच पोल्यूट्स द एयर ऑफ ए सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इसको हम लेड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि कैन शुगर भी कहते हैं दोस्तों। और ए डीप सी डाइवर में हर्ट हिज ईयर ड्रम ड्यूरिंग डाइविंग ड्यू टू द हाई वाटर प्रेशर, आपको देखने को मिलता है जब नीचे जाता है। द हैकर इज ए पर्सन हु यूजेस कंप्यूटर्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा। आर्टरीज आर कैरी ब्लड दैट फिल्ड विद द ऑक्सीजन। द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आईज इज़ टू चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई कह सकते हैं दोस्तों। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल प्रोटोजोवा है। द डिजर्ट एडजॉइनिंग द थार डेजर्ट जो है पाकिस्तान के पास चोलिस्तान, वहाँ पर आप देख सकते हो। द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द रिमोट पास्ट, जिसको हम पैलियंटोलॉजी के नाम पर जाना जाता है, जो भी पुराने जितने भी बोन्स के बारे में वो सब। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ भी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ है, न्यू लैमिडा है। आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज़ फिल्ड विद द ऑक्सीजन। द डेजर्ट जो एडजॉइनिंग द थार डेजर्ट, जो कि चोलिस्तान हमने डिस्कस किया। द बॉक्सर रियल डील निकनेम इज फॉर द इवेंडर होलीफील्ड को, बॉक्सर जो कि रियल डील के नाम पे भी जाना जाता है इस बॉक्सिंग गाय को। देखिएगा इन बिटवीन कोई ना कोई आपको ऐसे जी के सवाल आ रहे हैं, डोंट वरी। द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आईज इज़ टू चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द लेंस, जो कि इनका मेन लेंस का काम होता है। ल्यूकेमिया इज़ अ टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज विच इज़ ए कैंसर ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स कह सकते हो। अब्दुल रहीम एंड ब्रिटिश राज रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मोर्टिमर साइंड एन एग्रीमेंट, जो कि ड्यूरेंड लाइन का जो बाइफर्केट किया गया था वो इन दोनों के बीच में हुआ था। द कॉज ऑफ बायो मैग्निफिकेशन वो है आर्गनो क्राइन्स है दोस्तों। बोर्स थीरी कैन आल्सो बी अप्लाई टू द आयन्स लाइक हीलियम लिथियम बेरीलियम और टू पॉजिटिव थिंग्स। द बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज
कोवलेंट बाइंड फोर्स देख सकते हो दोस्तों। लैंथेनाइड्स जिसको हम कॉमनली कहते हैं सेरियम के नाम पे भी जाना जाता है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जिसको हम कॉमनली पेन किलर की इस तरह इस्तेमाल करते हैं। मेन कॉज फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीसीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, मेन यही रीज़न है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ देख सकते हो। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। ड्रोन्स जो कि हनी बी वो फर्टाइल मेल्स है दोस्तों, जो भी ड्रोन्स है वो मेल्स है। द फ्यूल इन एटॉमिक पाइल वो है यूरेनियम है दोस्तों। इन एटॉमिक रिएक्टर ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेट की तरह इस्तेमाल करता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो कि 60 कोबाल्ट 27 जिसको हम गामा रेस इज़ यूज्ड जिसके अंदर कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर। इन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द इंट्रोड्यूसिंग कैडमियम रॉड का इस्तेमाल करके कर सकते हो। हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो कि यूरेनियम है दोस्तों। येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस द बॉर्डर जो कि यूरेनियम ऑक्साइड है दोस्तों, अक्रॉस द बॉर्डर आप फाइंड आउट करते हैं, लोग इतना ज़्यादा वो लेके जाते रहते हैं यूरेनियम ऑक्साइड को। एस्टेटाइन फ्रांसियम और ट्रीटियम जितनी भी है रेडियो एक्टिव बट नॉट जिरकोनियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। एरेडॉक्स रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र रिएक्शन में देख सकते हो। और स्टार्च आयोडाइड पेपर इज़ यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाई कि नहीं की चेक करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है सॉल्ट एंड वाटर कह सकते हैं दोस्तों। ब्रीथ एनालाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं बाय द पुलिस टू टेस्ट ड्रंकन ड्राइवर्स वर्क्स ऑन द केमिकल बेसिस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। द स्केल ऑफ पीएच वैल्यू वाज फॉर्मुलेटेड बाय सोरेनसन है दोस्तों। सल्फ्यूरिक एसिड डायबेस एसिड यूज्ड इन आई वॉश के अंदर बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स जो कि हाइड्रोजन देखने को मिलता है। मैलिक एसिड एप्पल्स के अंदर देखने को मिलता है। ए बेस इज ए सब्सटेंस विच इज़ बेटर इन टेस्ट, गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन्स इन एक्वेस सोल्यूशन एंड कैन यू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अगला देखिए, द सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर जो कि अल्कलाइन नेचर है दोस्तों। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फियोटेरिक है दोस्तों। एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन इथेन के अंदर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिनको हम म्यूरियाटिक एसिड के नाम पे भी जाना जाता है। मैलिक एसिड जिसको हम कैंडी और बेवरेजेस में देखने को मिलता है। C4H6O5 इसका फार्मूला है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैसेस सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन में देखने को मिलता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिकुलर मास, ये आपको छोटा सा फार्मूला है। एब्सोल्यूटली जीरो जो कि टेम्परेचर वेयर ऑल गैसेस आर एक्सपेक्टेड टू हैव जीरो वैल्यूम। और वैंडरवाल्स जो इक्वेशन है द बिहेवियर ऑफ द रियल गैसेस बताता है। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट व्हेन द यूनिवर्सल गैस दैट इज आर इज डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर एन देयर रेशियो। अगला देखिए, सब्सटेंस विच आल्टर द वेलासिटी ऑफ द रिएक्शन देमसेल्स रिमेनिंग केमिकली एंड क्वान्टिटेटिवली अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन जिसको कैटलिस्ट कहते हैं। लैक्टोबेसिलस भी बैक्टीरियम एक कैटलिस्ट टाइप का वहाँ पे लैक्टिक एसिड यूज़ होता है। द टेम्परेचर एट विच द कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ द कैटलिक इज मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिलता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है इज़ ब्रॉट अबाउट द एक्शन ऑफ ईस्ट है दोस्तों। एंजाइम कैटलाइजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट है दोस्तों। द एंजाइम आर किल्ड बाई अट हैवी वेरी हाई हेवी टेम्परेचर जहाँ पे देख के वो आराम से हम मारा जा सकता है एंजाइम्स को। एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मॉलिकुलर स्टेट। ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन जो है एक एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रो ग्लिसरीन है दोस्तों। ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स बट नो मैटर इज कॉल्ड, जिसको हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। द गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली द वर्क डन बाय द गैस जिसको इज मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है वहाँ पे जो भी वर्क डन है। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस इट्स इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। आइडल गैस इज वन विच ओबेज गैस लॉज, तभी वो आइडल गैस है दोस्तों। द नेम कैटालिटिक वॉज गिवन बाय द बेर्जुलियस जिन्होंने इस कैटालिसिस को देने वाला साइंटिस्ट है दोस्तों। द सब्सटेंस विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ टेम्परेचर रिएक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो पॉइजन कह सकते हैं, अपना बॉडी में सुस्त पैदा करता है। द सब्सटेंस विच आल्टर द वेलासिटी ऑफ रिएक्शन themselves रिमेनिंग केमिकली एंड क्वान्टिटेटिवली अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन, जिसको हम कैटलिस्ट कहते हैं दोस्तों। और मिल्क के अंदर जो एक्टोबेसिलस है वो एक किस्म का कैटलिस्ट है।
द टेम्परेचर एट विच द कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज़ ब्रॉट अबाउट द एक्शन ऑफ ईस्ट से हम कह सकते हैं. एंजाइम कैटालाइसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटरोजीनस कैटलिस्ट है दोस्तों. और बायो कैटालिटिक जो भी है ये एंजाइम्स है दोस्तों. एंजाइम्स आर किल्ड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर कह सकते हैं. एफिशिएंसी ऑफ कैटालिक डिपेंड्स ऑन इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट में देख सकते हो. द इन्फॉर्मेशन नॉट कन्वेड बाय द थर्मोडायनेमिक इज अबाउट जिसको हम रेट्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं. ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इट्स इंटरनल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड. द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड इज ग्रेटर दैन ग्राफाइट. यहाँ पे बॉर्न हाइबर साइकिल इज यूज टू डिटरमाइन द लैटिसी एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन जो कि हम वाटर गैस कहते हैं. ऑक्टेन नंबर जो है इज कैन बी इंक्रीज बाय द आइसोमराइजेशन अल्केलेशन एंड रिफॉर्मिंग से हम आराम से इसको बढ़ा सकते हैं फ्यूल का. विच वन ऑफ द गैस हैज़ द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू. यहाँ पे आप लोग ऑयल गैस में आपको सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देखने को मिलता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी सवाल पूछ रहा हूँ आप आई होप समझ में आ रहा होगा. मॉडर्न पीरियडिक लॉ देने वाला मुजले फॉर्मुलेट किया है और आपको दिमित्री मेंडलिव जो कि फॉर्मेशन ऑफ पीरियडिक टेबल है दोस्तों. सो फादर ऑफ पीरियडिक टेबल जो कि दिमित्री मेंडलिव को कहते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेंडलिव्स जो कि पीरियडिक लॉ वर द पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट की वजह से हम लोग उन्होंने मेजर किया. द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर है दोस्तों. द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग द गिवन इज फ्लोरिन है दोस्तों. टोटल नंबर ऑफ लैंथनाइड्स जो कि 14 देख सकते हो. मेटल विथ मैक्सिमम डेंसिटी वो है ओस्मियम है दोस्तों जो कि सबसे वेट भी आपको देखने को मिलता है जिसकी वजह से डेंसिटी भी ज़्यादा होगा. आप पेन के निब के अंदर इंक पेन के अंदर आपको देख सकते हो. हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इज़ इन क्लोरीन में और जीरो जो कि नियॉन में देख सकते हो. पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी शून्य किस में है नियॉन में. द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर जिसको हम मोलारिटी कहते हैं और द नंबर ऑफ मोल सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट जिसको हम मोलारिटी भी कहते हैं. और द मोस्ट कन्वीनियंट वॉज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोल्स के अंदर यहाँ मोल होता है दोस्तों. मोल्स पर लीटर यहाँ पे मेजर करते हैं मोलारिटी का. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स होता है. ब्लड सेल्स डू नॉट श्रिंक इन ब्लड बिकॉज ब्लड इज आइसोटोनिक सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है और एक कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों. इन गैल्वनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद द जिंक के साथ. द आर्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिक वॉज गिवन बाय द फैराडे दोस्तों. द डिटेरेशन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं करोजन. द एलिमेंट विद द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो है सिल्वर है दोस्तों. द एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय पैलेडियम जिसको हम कहते हैं ऑक्लूजन कहते हैं. द सोल्यूशन ऑफ रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड है दोस्तों. ए कोलाइड सोल्यूशन ऑफ ए लिक्विड इन ए सॉलिड इज टर्म्ड एज जेल कहते हैं. कोलाइडल सोल्यूशन आर नॉट प्योरीफाइड बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस कह सकते हो. ये मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पर्टिकुलर कोलाइड पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं. आलम प्योरीफाइज मडी वाटर बाई द कोएगुलेशन प्रोसेस जो कि इकट्ठा करते हैं. द कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉमनली नोन एज जर्म किलर जिसको हम कोलाइडल सल्फर भी कहते हैं. आर्टिफिशियल रेन जो बरसाते हैं बाई स्प्रेइंग द अपोजिट चार्ज कोलाइडल डस्ट ओवर द क्लाउड. कोलाइडल सोल्यूशन इज यूज इन द फोटोग्राफी जो कि सिल्वर ब्रोमाइड है दोस्तों. कॉड लिवर ऑयल जो कि एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल एमल्जन है दोस्तों. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द क्रीम फ्रॉम द मिल्क एमल्जन जो कि डीमल्सिफिकेशन कहते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन जो कि यहाँ पे स्मोक है ये एक एयर है कि इंक है ब्लड है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन स्मोक एयर इंक ब्लड. द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन द सी वो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट की वजह से आपको देखने को मिलता है बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. वैनिशिंग क्रीम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड एमल्जन है दोस्तों. फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है इनिशिएटेड बाय द लाइट एमिशन. और याद रखने वाली चीज़ व्हेन रिवर वाटर मीट्स सी वाटर डेल्टा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इट इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. और ऊपर से आप क्लीनिंग एक्शन ऑफ ए सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो भी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के अंदर देखने को मिलता है और डिटर्जेंट इन वाटर इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिसली. सोप हेल्प्स इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स बिकॉज इट रिड्यूस द सर्फेस टेंशन ऑफ द सोल्यूशन कम कर देता है. कोएगुलेशन मडी वाटर इज ट्रीटेड विद द आलम इन प्योरीफिकेशन प्रोसेस में. रिवर्स ऑफ स्वेलिंग ऑफ जेल जिसको हम कहते हैं सिनर्जीज
Cinerases, a naturally occurring substance from which a metal is extracted profitably, that is ore, bauxite ore. Rocky impurities present in minerals, जिसको हम गंगू कहते हैं. Magnetic separation used for increasing concentration of the hematite का इस्तेमाल करते हैं. The heating up for ore below its melting point in the absence of air, calcination कहते हैं. When ore is heated generally in presence of air, then it is called as roasting. Reduction of oxide with carbon at high temperature, जिसको हम कहते हैं smelting है दोस्तों. और निकल इज़ प्यूरिफाइड बाय द मॉन प्रोसेस. और मैलासाइट एक मिनरल ऑफ कॉपर का मिनरल है दोस्तों. और कॉपर जो मैलासाइट का मिनरल है. और कैलामाइट इज़ एन ओर ऑफ जिंक. द मटेरियल यूज्ड